हेलो दोस्तों, हम आज खड़े हैं मेघदूतम पार्क में। सेक्टर 50 में स्थित पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है और बहुत ग्रीन है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम लगातार इस पार्क के बारे में लोगों को बताते रहते हैं। पहले बहुत गंदगी होती थी, पर इस टाइम में जो पार्क के कॉन्ट्रेक्टर ने है वो इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना शुरू किया है। बहुत ग्रीन पार्क है, पशु पक्षी है, गिलहरी है, पंछी है, बहुत जो पक्षी है यहाँ पे आते भी है। और हर टाइम यहाँ पे इस टाइम पानी लग रहा है, क्लीन है। और पार्क के अंदर में एक एम्पी थिएटर है, पार्क के अंदर में हट्स है। पार्क के अंदर हम स्टार्टिंग में जब मॉर्निंग में आते हैं तो म्यूजिक सिस्टम लगे हैं, म्यूजिक सिस्टम हमारे पीछे भी लगे हैं कुछ पैनल्स में। तो पार्क के अंदर में 180 करीब में ये स्पीकर्स लगे हैं। और स्पीकर्स के बाद में पहले शुरुआत में इसमें जो पार्क जो था, पार्क के अंदर में सुबह भजन लगते थे, बहुत स्लो वाइट्स में वो भजन चलते थे। और आज की डेट में हमको ये मालूम चला है कि नोएडा अथॉरिटी इस पार्क के अंदर में एक लेजर शो लगाना चाहती है। और हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए उस लेजर शो को अपोज करने के लिए। वो लेजर शो को हम लोग नहीं चाहते कि लेजर शो पार्क के अंदर में हो। जैसे ही लेजर शो होगा इस पार्क में जो है वो जो बाहर के लोगों का आना आवागमन इस पार्क के अंदर ज्यादा शुरू हो जाएगा और बहुत लोग पार्क के अंदर आएंगे, इस पर टिकट लगने जा रहा है। तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम ये पार्क को नेचुरल रखना चाहते हैं, इसको और ग्रीन बनाओ, इसमें और पेड़ लगाओ, उसको फूल पत्तियां और लगाओ, उसको अच्छे से मेंटेन करो। तो जितने हम लोग यहाँ पार्क के वॉकर्स हैं इकट्ठे हुए हैं, हम लोग सबके व्यूज जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो सब लोग चाहते हैं कि इसके अंदर लेजर शो लग जाए? हम लोग बिल्कुल जो है लेजर शो के विरोध में है, और यहाँ जो कमर्शियल एक्टिविटीज होंगे उसके विरोध में भी है हम लोग। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो हम जो सुबह शाम जो वॉकर लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए आते हैं, इसको जो पीसफुल बना रहना देना चाहिए। और नोएडा अथॉरिटी को जो है इस तरह का हस्तक्षेप जो है बंद करना चाहिए कि इसमें जो है हम लोग कुछ टिकट वगैरह या इस तरीके से जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज इसमें नहीं होनी चाहिए। जो बाहर से लोग आएंगे हमारा जो यहाँ इस तरीके से यहाँ रहना फिर हमारा जो खराब हो जाए। आइए जानते हैं विनोद जी से। विनोद जी आप बताइए इसके बारे में, आप क्या जानते हैं? मेघदूतम पार्क एक ऐसा पार्क है जिसका पार्क प्राकृतिक सौंदर्य और इसकी लैंडस्केपिंग को हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा इस पार्क को और किसी चीज के लिए जानना नहीं चाहिए। और ये स्वाभाविक है कि जब लेजर शो शाम को होगा तो यहाँ के जो रात के जो बर्ड्स जब ये पेड़ों पे नेस्टिंग करते हैं, अपने घोंसले में जाते हैं, तो वो सब डिस्टर्ब होंगे। तो ये कुछ दिन की एक ये जो एंटरटेनमेंट या मनोरंजन होगा उसकी वजह से यहाँ का इकोसिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि पार्क जैसा है वैसे ही रहे। अगर आपको लेजर शो करना है तो उसको नोएडा स्टेडियम में करिए, शिल्पी हाट में करिए और अन्य ऐसे पब्लिक प्लेसेस में करिए जहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य की बिगड़ने की कोई गुंजाइश ना हो। मैं मिश्रा जी, मैं संजीव मिश्रा अंतरिक्ष ग्रीन का रेजिडेंट हूँ, यहीं रहता हूँ। और इसे लेजर शो होने से यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य में प्राकृतिक सौंदर्य बिगड़ेगा, समझ लीजिए हम प्राकृतिक, और शांति जो है हम लोग जो पीस होगी वो भंग होगी, शांति भंग होगी। और इस तरह लेजर शो का हम विरोध करते हैं, लेजर शो यहाँ नहीं होना चाहिए। ज्ञानी जी। मैं हरीश सयानी आलोक बिहार का निवासी हूँ। इस ढंग का लेजर शो इस प्राकृतिक छटा को, इस प्रकृति को या जो मेघदूतम पार्क में है इसका संपूर्ण रूप से नुकसान करेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे प्राकृतिक रूप से रहने के लिए आए हैं। वैसे ही दुनिया भर का पोल्यूशन और ये सब चीजें रहती हैं। एक बार कमर्शियल होने के बाद यहाँ पर गंदगी बढ़ जाएगी, डे नाइट हर तरह के लोग आएंगे और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हम सभी लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसको कहीं और ले जाया जाए। मैं धर्मवीर चौधरी आम एक्स में रहता हूँ। हम इसके बहुत ही विरुद्ध हैं। जो पार्क है इस पार्क ही रहने दीजिए, विरोध करेंगे इस मामले में बहुत जोर शोर से। हमें अगर स्ट्राइक करनी पड़े तो हम स्ट्राइक भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सिन्हा जी। मैं एके सिन्हा सिल्वर स्टेट का रहने वाला हूँ। मैं इस प्रपोजल को हम लोग बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करते हैं क्योंकि इससे सारा इन्वायरमेंट हमारे पार्क का ये खत्म हो जाएगा, जो भी हम लोग इंजॉय करते हैं मॉर्निंग इवनिंग। सो दिस वुड बी स्ट्रांगली अपोज्ड बाय ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं नितिन देशवाल। अभी तो हम यहाँ थोड़े लोग खड़े हैं, अगर अथॉरिटी अब भी नहीं मानेगी हम इसका बहुत जोर शोर से विरोध करेंगे। हजारों की संख्या में लोग इसका विरोध करने के लिए तैयार है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं संजीव कुमार हूं, मैं सेक्टर 51 से आता हूं। मैं यहां इस पार्क के अंदर में सेक्टर 51 से, 74 से, 75 से, 76 से, 50 से,
होशियारपुर विलेज से, बरौला विलेज से सभी लोग निवासी यहाँ पे इस पार्क का आनंद लेते हैं। सभी लोग यहाँ आकर के मिलजुल कर साथ में मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। तो हमारा आप सब लोगों से अनुरोध है कि हम इस पार्क के अंदर में ये सब लेजर शो जैसी एक्टिविटी को प्रमोट ना करें। नोएडा अथॉरिटी के सीनियर ऑफिसर से अनुरोध है कि आप इस प्रपोजल को कहीं और लेकर के जाए, कृपया मेघदूतम पार्क में ये प्रपोजल ना लगाया जाइए। धन्यवाद।